पहाड़ से मैदान तक सफर महंगा हुआ है। जी हाँ, प्रदेश में राज्य परिवहन प्राधिकरण की ओर से किराए में बढ़ोतरी संबंधी आदेश जारी हो चुका है। परिवहन निगम ने बस, ऑटो, विक्रम सिटी बस के किराए में बढ़ोतरी की है। पहाड़ों में रोडवेज की बसों में यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर 1.80 रुपये की दर से किराया देना होगा ज्यादा। वहीं मैदानी इलाकों में किराए की दर 1.26 रुपये ज्यादा देनी होगी। बढ़ी हुई दरें 2 से 3 दिन के भीतर लागू हो जाएंगी। ऑटो, बस, टैक्सी में सफर महंगा हुआ है। खबर देहरादून से है, लेकिन पहाड़ से लेकर मैदान तक ये दरें लागू होंगी। प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ा किराया। अभी किराए की दरें बढ़ी हैं, वो हमारा परिवहन निगम है, उनकी बसेस के लिए बढ़ी हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में जो हमारी बसें चलती हैं, चाहे वो जे एम ओ यू हो और जो बाकी हमारी संस्थाएं चलाती हैं बसेस, उनके लिए किराए में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा आपका जो टैक्सी हैं उनके किराए में वृद्धि हुई है। जो हमारे ऑटो या विक्रम चलते हैं उनके किराए में वृद्धि हुई है। तो इस तरह से ये मोटी मोटी जो है किराए में वृद्धियाँ की गई हैं। सौरभ भाटिया हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, एक बार फिर से ऑटो, बस, टैक्सी, यहाँ तक कि रोडवेज बस के किराए में भी इजाफा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो है अब सरकारी बसों में जो अब किराया बढ़ोतरी की गई, उससे साफ हो गया है कि सरकार भी नहीं चाहती कि जो घाटे में चल रहा निगम है उसको जो है और घाटा देखना पड़े। ऐसे में जो है पहाड़ों में जो सफर महंगा हुआ है 1.80 रुपये प्रति किलोमीटर, और मैदान में 1.26 रुपये प्रति किलोमीटर का सफर जब जो है लोगों को तय करना पड़ेगा। इसके साथ ही नई दरें जो है 2 से 3 दिन में लागू होगी, क्योंकि आज कुछ सचिव परिवहन शैलेश बगोड़ी ने सीधे तौर पर कहा कि जब जो है प्राइवेट में किराए की बढ़ोतरी हो रही है तो सरकारी में बढ़ोतरी होना भी बेहद जरूरी है, जिससे घाटे में चल रहे निगम को उभारा जा सके। जी पंकज, सौरभ, यात्रियों की जेब पर भार तो पड़ेगा ही, साथ ही साथ खासकर उत्तराखंड रोडवेज की बात करें, हमेशा घाटे का सौदा बताता रहा है परिवहन विभाग रोडवेज को लेकर। क्या इससे स्थिति में सुधार आएगा? आएगा तो कितना सुधार आएगा, और अभी की मौजूदा स्थिति क्या है घाटे की? देखिए, क्योंकि ये जो सुधार की अगर ये दावे करते हैं वो दावे बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, क्योंकि जो किराया बढ़ाया जाता है वो हमेशा से ऊंट के मुंह में जीरा बराबर ही साबित होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है ये जो नुकसान हुआ है निगम को उसे पाटने में जो है बहुत ज्यादा जो है सफलता हासिल हुई थी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि विभाग को इससे थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि किराया जो बढ़ेगा, क्योंकि पहाड़ का सफर अगर प्रति किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो काफी लंबा जो सफर यहाँ से करना पड़ता है लोगों को। अगर यहाँ से पौड़ी, चमोली जैसे जो है जनपदों में जाना होगा तो महंगा हो गया सफर, जेब पे असर जरूर पड़ेगा, लेकिन जो नुकसान है वो अभी जो है पत्ता दिखाई नहीं दे रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।